प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया वस्त्र मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान व्य वंदना कार्ड बनना शुरू। सिर्फ 3 हफ्तों में 10 लाख से अधिक लोगों ने कराया नामांकन। और डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल उड़ान परीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेन्द्र साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे। हवाई अड्डे पर नाइजीरिया के मंत्री ने पीएम मोदी के सम्मान में अबुजा शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से भेंट की। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 सालों में ये पहला नाइजीरिया दौरा है। श्री मोदी आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबु के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। पीएम मोदी यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे। इससे पहले 1969 में महारानी एलिजाबेथ को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम नाइजीरिया से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो रवाना होंगे। वहां की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वार द्वारा आयोजित G20 शिखर बैठक में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवम्बर तक गयाना के राजकीय प्रवास पर रहेंगे। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वस्त्र मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट अगर टोटल देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ का। तो ये सेक्टर आर्टिजन बेस्ड सेक्टर है, जहाँ सीधा फायदा ऐसे ऐसे फेयर से आर्टिजन को होता। आर्टिजन आते हैं, लगभग 250 स्टॉल है और उनमें उनका अच्छा खासा बिक्री होता है, फिर आगे भी इनके लिए एक मार्केट उपलब्ध होती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मेले में लगे विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों और प्रदर्शनी का जायजा भी लिया और बुनकरों से भी मुलाकात की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए जा रहे आयुष्मान व्य वंदना कार्ड 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रहे हैं। कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के सिर्फ 3 हफ्तों में 10 लाख से अधिक लोगों ने इसका नामांकन कराया है, जिसमें से 4 लाख से अधिक नामांकन 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं ने किया है। इस कार्ड के जारी होने के बाद अब तक 9 करोड़ रुपये से अधिक के इलाज को मंजूरी दी गई है। वहीं 1,400 से अधिक महिलाओं और 4,800 से ज़्यादा पुरुषों को इसका लाभ मिल चुका है। इस कार्ड के जरिए मरीजों को कोरोनरी एलियापोन्टोसिस, हिप फ्रैक्चर, पित्ताशय की थैली निकालने, मोतियाबिंद सर्जरी, प्रोस्टेट रिसेक्शन और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज 5 लाख रुपये तक मुफ्त मिल सकता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फिर एक बार हमारे सैन्य अनुसंधान संगठन ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर अपनी सामरिक क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में हम सैनिक साजो सामान की निर्माण में दक्षता और प्रवीणता को हासिल करते हुए अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश होता था आज दुनिया के टॉप 10 निर्यात करने वाले देशों में आकर के खड़ा हुआ है और आज के इस सफल परीक्षण के बाद में भारत की इस क्षेत्र में शक्ति और भी अधिक बढ़ेगी। मैं सभी वैज्ञानिकों के साथ साथ मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि DRDO की इस उपलब्धि के बाद भारत महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। समूचा देश इस सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग को बधाई दे रहा है। भारत गणराज्य संविधान का 75 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए हर साल देश भर में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में दुर्ग के नागरिक मानते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के बारे में भी नई पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जाना चाहिए। संविधान है वो सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस संविधान की रचना की गई है। हमारे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम उसका पूर्ण रूप से पालन करें और आप देखिएगा कि यदि हम में से प्रत्येक संविधान के जो नियमों के तहत यदि हम चलते हैं, किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो हमारी आधे से ज़्यादा समस्याएँ जो हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं और कोई ना अराजकता का माहौल होगा, ना किसी भेदभाव का माहौल, ना किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव। तो हमारा संविधान जो है वो अपने आप में विशेष है और हमको इस संविधान पर गर्व करना चाहिए। जब किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है या कोई भी राष्ट्र बनता है तो उसकी रूपरेखा नागरिकों के क्या कर्तव्य हों, राष्ट्र के क्या कर्तव्य हों, नेताओं के क्या कर्तव्य रहें, नेताओं के क्या अधिकार हैं, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये सब निर्धारित करने के लिए उस देश के का एक संविधान निर्माण किया जाता है जिसमें विभिन्न अनुच्छेद होते हैं। जैसे भारत के संविधान में कुछ 395 अनुच्छेद हैं जिनको टोटल 22 भागों में बाँटा गया है। भारत का संविधान भारत के लोगों ने सन 1949 में 26 नवंबर के दिन जब इसे अंगीकार किया तब हम आज भी फक्र से भर उठते हैं कि भारत के संविधान को बनाने वाले लोग कोई साधारण नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर अपने को होम कर देने वाले हमारे वीर सपूतों ने इस संविधान की रचना की। हमारा मस्तक उनके सामने आदर से झुक जाता है। संविधान में समता, न्याय, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व की भावना है। हमें गर्व है अपने संविधान पर। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान में सभी वर्ग और समाज के लोगों को एक जैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। नागरिकों का मानना है कि हमारा संविधान देश के लिए गौरव होने के साथ साथ सामाजिक समरसता और अखंडता का परिचायक भी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है महासमुंद जिले के ग्राम लखनपुर निवासी बुधराम साहू ने। दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिव्यांग समूह बनाकर आज इमली कैंडी, मुर्गी पालन और बतख पालन का लाखों रुपये कमा रहे हैं। बुधराम ने अब अपने साथ 4 और दिव्यांगों को जोड़कर उन्हें भी स्वावलंबी बना दिया है और उस इमली कैंडी की ट्रेनिंग लेने के बाद उस 3500 रुपये में रायपुर से जाके सामान ला के इमली कैंडी बनाए और उसको बेचने के बाद हम वो इमली कैंडी बना हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये का। फिर उसमें से 7 हज़ार रुपये से फिर लाए, फिर उसको हम लोग
16,000 रुपये का बना वो। ऐसी करके आज हम लोग 100-150 रुपये घर बैठे प्रतिदिन कमा रहे हैं। सीताराम दिव्यांग समूह के दिव्यांग सदस्य लेखू निर्मलकर को भी शासन की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो रहा है। अच्छा है सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और मैडम जी लोगों का भी सहयोग रहा बहुत अच्छा। हमारे गांव लखनपुर की ये जो मैडम जी हैं जोशी मैडम जी, उनका भी बहुत अच्छा। पहले क्या तकलीफ होती थी और क्या चिंता सताती थी आपको जब इस तरीके का काम नहीं करते थे तो? बहुत चिंता रहती थी सर। क्या मतलब आर्थिक आय नहीं के बराबर थी, 40 रुपये आज के डेट में क्या होता है? 40 पर डे के हिसाब से वो ऐसे पहले था, मैं झलप में काम कर रहा था तो, और आज अपने घर में ही 170-160-150 के आसपास कमा लेते हैं तो उसमें अच्छा से चल जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की झलप पीआरपी दानेश्वरी साहू का कहना है कि उनके क्लस्टर में आने वाले गांवों में लोग स्वरोजगार से जुड़कर अपना सुखद भविष्य रच रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़िए और इसमें आप जुड़कर आत्मनिर्भर बनिए, खुद से आजीविका करिए। पहले क्या होती थी, महिलाएं घर से बाहर निकलने में संकोचित महसूस करती थी, आज के डेट में महिलाएं समूह में जुड़कर अपना खुद का आजीविका करके स्वयं आत्मनिर्भर बन रही है। इधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। ये सीताराम जो स्वयं सहायता समूह है ये ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है और हमारा नेशनल रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है इसके अंतर्गत उनको सपोर्ट भी प्रदान की गई थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुर्गी पालन, बतख पालन और भी वहाँ पे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें टॉफीज़ और कैंटीज बनाते हैं उनका काम इनके द्वारा किया गया है और मार्केट में इनका लिंकेज भी हमने कराई है जिसके माध्यम से विक्रय भी कर रहे हैं और जो इनको अभी तक जो शुद्ध लाभ हुआ है वो लगभग 1,03,000 का भी हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में यदि और भी इनको किसी प्रकार की सपोर्ट प्रशासन से चाहिए होगी तो निश्चित रूप से हम उनको प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अभी तक 13,398 समूह का गठन कर 1,70,450 महिलाओं को जोड़ा गया है और ये महिलाएं गांव में ही अलग अलग लघु उद्योग के माध्यम से काम कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।